वालों की भूमि है, ये भूमि सामाजिक न्याय की भूमि है। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, ये सब ने सामाजिक न्याय की नींव रखने का काम किया था और उसी नक्शे पर आज पूरा देश चल पड़ा है। ये भूमि पिछड़ों को, सताए हुए को, उनको न्याय देने की भूमि है। और ये जन जागरण अभियान लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के घर घर में जो जा रहे हैं, वो भी इसी प्रकार के सताए हुए भाइयों बहनों को न्याय देने की लड़ाई देकर जा रहे हैं। मित्रों, अभी अभी मोदी जी के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन कानून आया, ये CAA आया, और CAA के माध्यम से अनेक पीड़ित लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम चला। मगर कुछ लोग जो देश में हैं, कुछ लोग जो है, जो बात तो पीड़ितों की करते हैं, बात तो मानव अधिकार की करते हैं, मगर अपनी वोट बैंक की बात जब आती है, तब वो अपने वोट बैंक के अलावा किसी को नहीं देखते हैं। मित्रों, आज मैं बिहार की इस महान धरती पर आया हूं, मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, क्या है CAA, ये नागरिकता संशोधन कानून क्या है? मित्रों, नागरिकता संशोधन कानून ये है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये सारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल करने वाला है। मगर जिनको इसमें वोट बैंक दिखाई पड़ती है, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की बात दिखाई पड़ती है, ये इसका विरोध कर रहे, वो गुमराह कर रहे इस देश की माइनॉरिटी को, इस देश के युवाओं को, कि CAA से आपकी नागरिकता चली जाएगी। मैं बिहार के मुसलमान भाइयों को कहने आया हूं, आप इस कानून को पढ़े, और राहुल बाबा आपको और लालू प्रसाद यादव को भी बताने आया, जनता को गुमराह मत करिए। ममता दीदी और केजरीवाल जी, आप भी जनता को गुमराह मत करिए। मैं आज सरेआम बिहार की जनता को कहने आया हूं कि ये कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है, इससे किसी की नागरिकता जा नहीं सकती है। मित्रों, देश का विभाजन हुआ, कांग्रेस पार्टी उस वक्त करता धरता थी, कभी देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन कर एक गलत नींव डालने का काम किया, और परिणाम क्या हुआ, लाखों लाखों लोग मारे गए, लाखों शरणार्थी देश में आए, और उसके बाद भी जो बचा हुआ पाकिस्तान था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, वहां पर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन भाइयों के साथ अन्याय शुरू हुआ। देश जब आजाद हुआ, पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में लगभग दोनों जगह 30-30 प्रतिशत हिंदू, सिख, बौद्ध थे, 30-30 प्रतिशत। और आज ये लालू प्रसाद यादव और राहुल बाबा दोनों मुझे जवाब दे, कितने हिंदू और सिख बचे हैं? पश्चिम पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 3%, और पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहां सिर्फ 7%। भैया, कहां गए सारे लोग, कहां गए? मैं आपको पूछना चाहता हूं, ममता दीदी, ये कहां गए? इनको मार दिया गया, इनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, इनको खदेड़ दिया गया, वो मजबूर हो गए यहां आने के लिए। मित्रों, इन लोगों को इनकी आंखें अंधी है, कान बहरे हैं, मत की लालच में मती खो बैठे। जहां पर जिस परिवार में बूढ़े बाप के सामने बेटी पर बलात्कार किया जाए,
पति के सामने पत्नी पर बलात्कार किया जाए वो कैसे वहां रह सकते हैं? उनके घर बार लूट लिए गए, जमीनें छीन ली गई, हजारों हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, गुरुद्वारा मस्जिदों में परिवर्तित कर दिए गए, वो कहां जाएंगे? वो यहीं आए, भारत में आए। मैं आज आपको पूछने आया हूं, लाखों की संख्या में आप है, बताइए ये जो प्रताड़ित होकर हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी ईसाई आए हैं, इनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलिए जरा, उनको सुनाई पड़े ऐसे, नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? माताओं बहनों भाइयों, आपकी तो वो न सुने, मगर महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने 26 सितंबर 1947 को कहा, पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू सिख हर नजरिए से भारत आ सकता है, उसको नौकरी और जीवन का सुख देना, नागरिकता देना आजाद भारत का पहला कर्तव्य है। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा, राजेंद्र बाबू ने कहा, सरदार पटेल ने कहा, मौलाना आजाद ने कहा, आचार्य कृपलानी ने कहा, और संसद के अंदर प्रस्ताव पारित कर नेहरू लियाकत समझौतों को स्वीकार किया। मित्रों, ये कांग्रेस वाले हमारा न सुने, मगर उनकी नेताओं का तो सुने। मित्रों, ये प्रताड़ित लोग जो आए हैं उनको नागरिकता देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज इस मंच से मैं सारे ह्यूमन राइट के चैंपियंस को पूछना था, हजारों हजारों बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, सैकड़ों लोगों के घर छीन लिए गए, लाखों की संख्या में धर्मस्थान उजाड़ दिए गए, उनके ह्यूमन राइट की चिंता आप नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? क्या दोष है उनका? ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट केवल और केवल उनके ह्यूमन राइट लौटाने का काम है मित्रों, और कोई काम नहीं है। और मित्रों, ये जो लोग वहां से आए इसमें कौन है? इसके अंदर ज्यादातर दलित है, पद दलित है, पिछड़े समाज के लोग हैं। आज ममता दीदी इसका विरोध कर रही है। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव को पूछना चाहता हूं, मतवा समाज के लोग आए हैं, नाम शूद्र समाज के लोग आए हैं, ये दलितों ने आपका क्या बिगाड़ा है? नरेंद्र मोदी जी उनको नागरिकता दे रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? मित्रों, अभी अभी राजस्थान के अंदर चुनाव हुआ, एक साल भी नहीं हुआ, राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा है कि जो पाकिस्तान से सिख और हिंदू आएंगे उनको हम नागरिकता देंगे। जब आप कहते हो तब तो ये सांप्रदायिक नहीं होता, और मोदी जी करते हैं तब आपको ये सांप्रदायिक लगता है। मित्रों, ये जो दोहरा मापदंड है कांग्रेस का, वो देश की जनता अब समझ गई है। मित्रों, जब सीए कानून लेकर आए, देश में इन लोगों ने एक भ्रामक प्रचार किया, देश की जनता को और विशेषकर माइनॉरिटी को गुमराह करने का काम किया, और देश में दंगे फैलाने का काम किया। मैं आज इस ऐतिहासिक मैदान पर कहने आया हूं, पहले 3-4 दिन जो दंगे हुए इसका पूरा जिम्मेदारी और दोष एक कांग्रेस ममता एंड कंपनी का है। कांग्रेस पार्टी ने देश में दंगे कराए हैं। मित्रों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है, हम घर घर जाएंगे, सच्चाई बताएंगे, और देश की जनता को सीए के समर्थन में लामबंद कर मोदी जी के हाथ हम मजबूत करेंगे। मित्रों, ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो लालू प्रसाद यादव है, ये जो केजरीवाल जी है, और ये ममता दीदी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएए का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी ने आपके आशीर्वाद से
303 सीटें मिली, फिर से प्रधानमंत्री बने। पहले ही सत्र में 5 अगस्त को धारा 370 और 35 ए को उखाड़ कर फेंक देने का काम किया। मैं आज वैशाली की जनता को पूछने आया हूं, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि कश्मीर भारत माता का अभिन्न अंग बने, बताइए मुझे, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? मोदी जी ने 370 और 35 से हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ा और कश्मीर में हमारा तिरंगा शान के साथ आसमान को छू रहा है, वो मोदी जी के कारण छू रहा है। इसका भी इन्होंने विरोध किया। मित्रों, राम जन्मभूमि अयोध्या में जहां मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, आप मुझे बताइए वहां मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सुनाई नहीं पड़ता है भाई, जरा जोर से बोलिए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद, ममता, केजरीवाल सब राम मंदिर में आड़े आए थे, मगर मोदी जी ने भारत सरकार के इनिशिएटिव से केस एकदम स्पीड से चला और 5 जजों ने तय कर दिया कि वो ही स्थान पर प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 महीने के अंदर आसमान को छूने वाला राम लल्ला का मंदिर, वही अयोध्या की भूमि पर आसमान को छूने वाला मंदिर बनाने की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। ये इसका भी विरोध करें। मित्रों, आप मुझे बताइए, पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उनको सबक सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए? उनको ठोकना चाहिए या नहीं ठोकना चाहिए? उरी पर हमला किया, पुलवामा पर हमला किया, सोनिया जी आपकी और मनमोहन सिंह की सरकार थी, कुछ करते नहीं थे, मौनी बाबा चुप बैठे रहते थे, कुछ नहीं करते थे। मोदी जी के समय हमला किया, मोदी जी ने 10 ही दिन में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम किया। मित्रों, मोदी जी ने ठीक किया या नहीं किया? जोर से बोलिए, ठीक किया या नहीं किया? इसका भी एक कांग्रेस एंड कंपनी लालू प्रसाद यादव एंड कंपनी विरोध करी है। वो कह रहे हैं सबूत